स्वागत है आप सभी का इस नए ब्लॉग में, जो कि एक ट्रैवल ब्लॉग है। यह ब्लॉग मेरी पहली हवाई यात्रा के बारे में है। यह ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यह रास्ता होटल का है। मैं कैब से होटल जा रहा हूँ जो कि एयरपोर्ट के पास है। इस होटल का नाम फोर पॉइंट्स बाई शेरेटन है, जो कि एक 4-स्टार होटल है। तो मैं आ चुका हूँ होटल के अंदर और अब देखते हैं यहाँ का इंटीरियर। अब मैं रूम के अंदर आ चुका हूँ। देखते हैं यहाँ गेस्ट के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। ये एक छोटा सा फ्रिज है जहाँ आप कुछ भी ठंडा करने के लिए रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ कॉफ़ी बनाने का सामान है, कैटल है, वाटर बॉटल्स हैं, कॉफ़ी पाउच हैं, शुगर पाउच हैं, ग्लास वगैरह। इस अलमीरा में क्या है? ओह, इस्त्री, आई मीन आयरन। अगर आपको अपने कपड़ों पर आयरन करना है तो ये यहाँ आपके लिए ही है। और ये दूसरी साइड सेफ प्लेस नाम से एक लॉकर है, जिसमें आप अपना कीमती सामान रखकर उसे लॉक कर सकते हैं और उस पर अपना पासवर्ड लगा सकते हैं। और यहाँ नीचे की तरफ मिलते हैं ये कॉटन स्लीपर्स। ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, इनका यूज़ आप वॉशरूम जाने के लिए भी कर सकते हैं। अलार्म घड़ी विद चार्जर, इससे आप अपना फ़ोन भी चार्ज कर सकते हैं। ये है वेलकम स्वीट्स। ये इतनी टेस्टी होती हैं, छोड़ने वाले एक दो पीस खाकर इसको छोड़ देते हैं, और मैंने तो सारे पीस खा लिए थे। चलो अब यहाँ का वॉशरूम देखते हैं कैसा है। ये वॉशरूम के मेन गेट के पीछे भी एक मिरर दिया हुआ है। ये मिरर कुछ डिफरेंट था, इसमें फेस की डिटेल्स अच्छे से दिख रही थी। यहाँ बालों को सुखाने के लिए हेयर ड्रायर भी दिया हुआ है। बैंडेज, हैंड क्लीनिंग वाइप्स, फेस टॉवल, बॉडी लोशन, ब्रश, कॉलगेट, शेविंग किट, सोप, मतलब काफ़ी चीज़ें दी हुई हैं। वॉशरूम में टेलीफोन की भी सुविधा है, इसका यूज़ शायद वॉशरूम में पानी नहाने पर किया जाता हो। शॉवर के पास ही शैम्पू, बॉडी वॉश, कंडीशनर और कुछ एक्स्ट्रा सोप, टॉवल्स भी यहाँ मौजूद हैं। बस अब रात हो चुकी है, सोने का टाइम भी हो गया है, अब सुबह मिलते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी सुबह के 4 बज रहे हैं। अभी चेकआउट करने के बाद निकलते हैं एयरपोर्ट की तरफ। तो एयरपोर्ट आ चुके हैं, यहाँ चेक इन करना है और सुबह सुबह भीड़ भी थोड़ी कम है। ट्रॉली में मेरा कुछ लगेज है जो कि सिक्योरिटी चेक के लिए ले जा रहे हैं। तो लगेज ड्रॉप आउट हो चुका है, अभी मैं लिफ्ट से ऊपर जा रहा हूँ। तो मेरा सामान जो है पहुँच चुका है, चेक हो चुका है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बस के अंदर बैठ चुका हूँ, बस भी रेडी है क्योंकि ये बड़ा एयरपोर्ट है, तो यहाँ बस से प्लेन तक ले जाया जाता है। अब बस से प्लेन की तरफ जा रहे हैं।
तो बस से उतरने के बाद अब मैं जा रहा हूँ प्लेन की तरफ। तो ये है आज की हमारी फ्लाइट दोस्तों, ये मेरी पहली हवाई यात्रा है। तो ये फ्लाइट स्पाइस जेट की है, यहाँ और भी बहुत एयरलाइंस की फ्लाइट्स हैं। फाइनली मैं फ्लाइट के अंदर हूँ और अब टेक ऑफ करने वाला हूँ। और ये हम अब हवा में। वाओ, जब प्लेन इस तरह से टर्न होता है बहुत मजा आता है। अब हम बादलों से भी ऊपर हैं, नीचे कुछ ठीक से दिख नहीं रहा है। 2 घंटे 20 मिनट की हवाई यात्रा करने के बाद अब हम लैंड करने वाले हैं। जैसे ही प्लेन के व्हील्स रोड से टकराते हैं बहुत ही तेज शॉक लगता है और इसकी कंट्रोलिंग बहुत ज़बरदस्त होती है। जितनी तेज प्लेन की रनवे पर स्पीड होती है उस हिसाब से प्लेन को बहुत कम समय में ये लोग कंट्रोल कर लेते हैं। तो मैं फ्लाइट से उतर चुका हूँ और काफ़ी अच्छा रहा है हवाई सफ़र। अब अंदर जाकर अपना सामान लेते हैं। ये कन्वेयर बेल्ट है जिस पर आपको अपने बैग वगैरह मिल जाते हैं। तो ये है बेलगावी एयरपोर्ट। अब कैब से चंडीगढ़ में होटल की तरफ। आगे की स्टोरी नेक्स्ट ब्लॉग में। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।